ओके तो भाई अब फाइनली सिर्फ एक दिन बचा हुआ है मनी इन द बैंक पेपर यू होने में, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिटरली सारा कुछ बताने वाला हूँ, क्या कुछ पूरा होने वाला मनी इन द बैंक के अंदर, कौन से मैच के अंदर कौन सा रेसलर विन करने वाला, कौन सा मैच का किस तरह से एंडिंग होने वाला, कौन कौन से रेसलर का रिटर्न होने वाला, सारा कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो तो भाई काफी ज्यादा मजेदार होने वाला, तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से आप लोग देखिए। तो सबसे पहले मनी इन द बैंक के अंदर जितने भी मैचेज होने वाले मैं आपको सारे मैचेज का एक लाइन में मैं आपको विनर बता देता हूं। हाँ ये फाइनल वीडियो होने वाला, इसके अलावा और भी कोई प्रेडिक्शन वाला वीडियो नहीं आने वाला चैनल को। तो सबसे पहला मैच के बारे में बात करें जो कि होने वाला गुंथर वर्सेस मैट रिडल के बीच में, भाई मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं इस मैच के अंदर गुंथर ही विन करने वाले। पर हां आप लोगों के लिए ट्विस्ट ये हो सकता है कि शायद इस मैच के अंदर कोई ना कोई रेसलर का रिटर्न हो सकता है। एक चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता रहा हूं, डब्ल्यूई वाले ऑलरेडी पहले से इस बात को अनाउंस कर दिया कि कुछ न कुछ एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला मनी इन द बैंक के अंदर। तो इस मैच के अंदर एग्जैक्टली कौन सा रेसलर का रिटर्न हो सकता है मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि होने वाला रोंडा रॉजी सेना विजलर वर्सेस रकेल और लिम मॉर्गन के बीच। मैं आपको एक लाइन में इस मैच का आंसर बता देता हूँ, इस मैच के अंदर सक्सेसफुली चैंपियनशिप रिटेन करने वाले रोंडा रॉजी और सेना बेस में भी इनके हाथ से समर स्लैम के अंदर चैंपियनशिप जा सकता, पर हाँ अभी फिलहाल नहीं जाने वाला। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि होने वाला मनी इन द बैंक वुमेन्स वाला लैडर मैच। और मैं आपको बता दूं वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस मैच के अंदर सिंपल विन करने वाले योशिका। डब्ल्यूडी वाले हर बार जिस तरह से ड्रामा करते हैं सेम उसी तरह से ड्रामा इस बार भी कर रहे हैं, कभी बैंकी लिंच का फोटो डाल रहे हैं, कभी किसी और फीमेल रेसलर का फोटो डाल रहे हैं। भाई आप लोग कंफर्म मान लो योशिका ही जीतने वाली इस बार का वुमेन्स वाला मनी इन द बैंक लैडर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि होने वाला कोडी रोड्स वर्सेस डॉम डॉम के बीच में। भाई इस मैच का रिजल्ट में चेंजिंग एक्चुअल में आ सकता है, क्योंकि भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था शायद डॉम डॉम इस मैच के अंदर विन कर सकते हैं, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग भी इस मैच के अंदर विनर हमारे डॉम डॉम होने वाले हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि होने वाला सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच। और भाई इस मैच का रिजल्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला, सेथ रॉलिंस इस मैच के अंदर विक्ट्री लेने वाले हैं। पर भाई मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर काफी हाई चांसेस है कि शायद किसी रेसलर का इस मैच के एंड में रिटर्न हो सकता है। एग्जैक्टली वो कौन सा रेसलर होने वाला मैं आपको वीडियो को लास्ट में आपको बताने वाला हूं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में बात करें, जिस मैच के अंदर भाई सच में बहुत ज्यादा एक्चुअली कंफ्यूजन करेंट टाइम में सिर्फ दो ही कंटेनर है जो कि जीतने वाले, या तो एलेनाइट जीतने वाले या फिर लोगन पॉल जीतने वाले। पर अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर लोगन पॉल जीतने वाले, क्योंकि लोगन पॉल जीतने वाले तभी ट्रिपल एच नाराज है लोगन पॉल, और इसीलिए करेंट टाइम में विंस मिकन और ट्रिपल एच के बीच में हमें झगड़ा भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से लोगन पॉल जीतने वाले। इसके बाद हम अपने फाइनल मैच के बारे में बात करें जो कि होने वाला रोमन रेंस सोलो सिकोवा वर्सेस जे उसो जिमी उसो के बीच। मैं आपको बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करता हूं एक्चुअली इस मैच का एंडिंग क्या हो सकता है। देखो मुझे सबसे पहले ये लग रहा था कि शायद समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस का कोई और अपोनेंट होने वाला जिसके सामने रोमन रेंस अपना चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले, तो शायद हमें इस मैच के अंदर किसी और रेसलर का हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता जो कि अटैक करेगा उसको समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस के उस रेसलर के साथ मैच होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ड्रू मैकइंटायर आकर अटैक कर सकते हैं या फिर बॉबी लेसली आकर रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिसके कारण इनका समर स्लैम के अंदर मैच सेटअप होगा। पर भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टील डब्ल्यू वाले ब्लड लाइन का ही स्टोरी लाइन लेकर जाने वाले समर स्लैम, मतलब ये बात यहाँ पर कंफर्म हो चुका कि हमें बाहरी रेसलर का इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा इस पूरे मैच के। तो रोमन रेंस अगर मनी इन द बैंक के अंदर अगर हार रहे तो शायद हमें सोलो सिकोवा की तरफ से कोई गलत मूव देखने को मिल सकता है, या फिर रोमन रेंस गलती से सोलो सिकोवा को स्पेयर लगा दे उसको सोलो सिकोवा इस मैच के अंदर पिन हो जाए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ जो भी एंडिंग होने वाला मनी इन द बैंक का बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला, ऑलरेडी डब्ल्यू वाले इस बात को बताई भी है। और हम लोग हमेशा देखते हैं कि पेपर व्यू चाहे किसी भी प्रकार का हो पर ब्लड लाइन का एंडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, इस मैच के अंदर हमें एंडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, केविन ओवेंस या फिर सैमी ज़ेन कुछ टाइम पहले रोमन रेंस को बोले थे कि जे उसो जिमी उसो तुमको छोड़कर जाने वाला रोमन रेंस, और एग्जैक्टली हमें वही चीज देखने को मिला, उसोज रोमन रेंस को धोखा देकर चले गए। और अब इस सेम बात को उसोज ने रिसेंट टाइम अपने वीडियो के अंदर क्लेम किया कि सोलो सिकोवा रोमन रेंस तुमको धोखा देकर मेरे साइड आने वाला। तो भाई आप लोग समझो इस मैच की एंडिंग हमें सोलो सिकोवा रोमन रेंस के बीच में थोड़ा सा जरूर हमें कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि रोमन रेंस इतना आसानी से इस मैच के अंदर हारने नहीं वाले, पॉल हेमन अभी रोमन रेंस को छोड़कर जाने नहीं वाले। तो भाई जो भी होगा इस मैच का एंडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और हाँ साथ ही साथ उसोज इस मैच के अंदर विन करने वाले मुझे ये भी लगता है, क्योंकि अगर उसोज इस मैच के अंदर विन करेंगे तभी इनका स्टोरीलाइन आगे लीड करेगा समर स्लैम। वैसे कुछ रेसलर का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है मनी इन द बैंक के अंदर, और एक से दो रेसलर का तो डेफिनेटली हमें रिटर्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको सारे रेसलर का नाम बता देता हूँ, आपको क्या लगता है कौन सा रेसलर का रिटर्न होगा आप लोग सारे लोग कमेंट्स में बता दीजिए। तो सबसे पहले रेसलर हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज है समर स्लैम के अंदर, इनको कम्पीट करना तो शायद मनी इन द बैंक के अंदर आ सकते हैं। सेकंड हमारे रेसलर है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, जिनका बहुत ज्यादा छोटा चांसेस है अगर इनको समर स्लैम के अंदर कम्पीट करना होगा तो शायद ही आ सकते हैं। या फिर मैं आपको बताऊं जॉन सीना भी सेम सिटी के ऊपर है जिस सिटी के ऊपर एक्चुअली मनी इन द बैंक हो रहा है, तो शायद इसलिए भी वहां पर आ सकते हैं। मैं आपको अगेन बता देता हूँ जॉन सीना का बहुत ज्यादा कम चांसेस है मनी इन द बैंक के अंदर आने की। इसके बाद नेक्स्ट रेसलर हमारे हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जिनका आप लोग 100% लॉक मान लो कि ये आने वाले मनी इन द बैंक के अंदर, और ये आकर सीधा कोडी रोड्स के ऊपर ढावा बोलने वाला, ये बात भी आप लोग सारे लोग कंफर्म 100% मान लो। इसके बाद हमारे नेक्स्ट रेसलर है द वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन, जिनके बारे में 100% कंफर्म बताया जा रहा है कि मनी इन द बैंक के अंदर ये अपीयर होने वाले, और मेरे ख्याल से अगर ये आने वाले तो शायद मैट रियल और गुंथर के मैच के बीच में ये सारे अपना इंटरफेरेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मैट रियल और रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला इस बार का समर स्लैम के अंदर। इसके बाद हमारे नेक्स्ट रेसलर जो कि 100% कंफर्म बताया जा रहा है रिटर्न करने के लिए मनी इन द बैंक के अंदर, वो हमारे ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर के साथ आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता होगा करंट टाइम में कोई भी सीन नहीं, ड्रू मैकइंटायर रेडी टू रिटर्न है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और मनी इन द बैंक सबसे बेस्ट मूवमेंट इनके लिए हो सकता है सेथ रॉलिंस
और फिन बैलर के मैच के अंदर आकर इंटरफेरेंस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे फाइनल जो दो रेसलर होने वाले, एक बॉबी लेस्ली देखने को मिल सकते हैं और दूसरा हमारे भूतिया इंसान ब्रे वायट देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों रेसलर बिल्कुल रेडी टू रिटर्न है। इन दोनों का मैच भी होने वाला समर स्लैम के अंदर, शायद हमें देखने को मिल सकता है, पर इन दोनों का चांसेस थोड़ा सा कम लगता है। वैसे आप लोग सारे लोग इस बात को खुद से कमेंट से बता सकते हैं कि रोमर एस सोलो सिकोवा वर्सेस उसोस का मैच का एंडिंग क्या हो सकता है। भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना, भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।